कहता था तुम जरूर आओगी। आपसे वादा किया था सो आ गए, पर अब हम लौट रहे हैं। साहब, ये सब बरकतें करके आप हमें अपनी बात मानने पर मजबूर मत कीजिए। बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, इसे भी डॉक्टर के लिए चलते हैं। आप रहने दीजिए, खाना मुझे दीजिए, मैं लेकर चलता हूँ। तुम कल रात मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हें उसी झरने पर आने के लिए लिखा था ना? ये लीजिए जनाब आपकी किताब। हाँ, ये रहे आपके पैसे। धन्यवाद। भाई साहब, बच्चों के लिए आपके पास कुछ किताबें होंगी? अरे क्यों नहीं जनाब, बच्चों के लिए। ये लीजिए जनाब, ये सोशल साइंसेस और ये इंग्लिश। नहीं नहीं, ये नहीं, छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चों जी? छोटे बच्चों के लिए पढ़ी थी, ये रही, ये लीजिए। अरे नहीं नहीं, ये भी नहीं, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए। आप बच्चों की उम्र बताइए ना जनाब। असल में तो उम्र 20 साल है। 20 साल बच्चे? नहीं नहीं, मेरा मतलब उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी स्कूल जाना शुरू किया है। जो स्कूल जाना शुरू करते जी 20 साल। चलो ये लीजिए जनाब, ये ठीक है जनाब जी? बिल्कुल ठीक है। 100 रुपये? ओके, इसी में डाल जी। 50, ये 50, 100, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। अरे वाह मीन मिया, आज तो आपकी तबीयत बेहतर है, आज तो आपको हरारत नहीं है। हाँ, अम्मी कह रही थी कि मेरा बुखार उतर गया है, अब मैं जाऊँ बाहर खेलने? नहीं आज नहीं, पर हाँ आप बैठे बैठे एक काम जरूर कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए कुछ किताबें लाया हूँ, इन्हें पढ़ना शुरू करें। किताबें? हाँ लीजिए। अरे ये तो सेब है। हाँ सेब है, पर इसे ए फॉर एप्पल भी कहते हैं। नहीं ये सेब है। सेब है पर इसे एप्पल भी कहते हैं। अरे राबिया देखो, शाहिद भाई गलत पढ़ा रहे हैं, सेब को कुछ और कह रहे हैं। देखो ये सेब है पर इसे अंग्रेजी में ए फॉर एप्पल कहते हैं। जैसे ये गेंद है पर इसे बी फॉर बॉल कहते हैं। नहीं ये गेंद है, गेंद है, गेंद है। अरे राबिया मेरी गेंद कहाँ गई? वो तो कबीर ले गया। थोड़ा वक्त लगेगा पर गेंद बॉल हो जाएगी। आपका कद वापस ले लीजिए। ये खत मैंने आपको वापस लेने के लिए नहीं दिया था। तो हम इसका क्या करेंगे? आप हमें इसका जवाब लिखेंगे। पर ना तो हम पढ़ना जानते हैं और ना लिखना। थोड़ी सी तरद्दुद कीजिएगा, आ जाएगा। इसके लिए तो हमें पढ़ना और लिखना सीखना पड़ेगा ना? नहीं तो हम कह रहे मोहतरमा। पर आप तो किताबें सिर्फ आमीन के लिए लाए, हमारे लिए थोड़ी ना लाए। यही तो बात है कि आप हमेशा हमें गलत समझते हैं। क्योंकि हम जाहिल है ना और बेवकूफ भी। आप जाहिल और बेवकूफ नहीं? जाहिल और बेवकूफ नहीं है तो और क्या है? आप बेहद खूबसूरत है। हेलो आदाब खाला। आदाब, लाइए मुझे बेटी। आओ बेटी। नहीं खाला, बस आपका इंतजार कर रहा था, अभी जा रहा हूँ, मेरे दोस्त भी वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। लो बेटो, अरे कौन सी गाड़ी छूटी जा रही है, तुमसे बतियाने से जी हल्का हो जाता है। नहीं जाना पड़ेगा खाला, कोई काम हुआ करे तो हमें कह दिया करें, आप खुद इतनी तकलीफ करती हैं। अरे बेटा ये तो हमारा ही काम था, सो हमें ही करना था इसलिए गए थे। अल्लाह के करम से कबीले के लोग उनको बहुत, कबीले में उनका बहुत रुतबा है। जब भी किसी की कोई मदद करनी होती है, कोई मुसीबत होती है तो इन्हीं को बुलाते। अब नहीं है
तो इनकी गैर मौजूदगी में किसी भी मदद के लिए या कोई भी तवज्जो हो तो हमको ही जाना पड़ता है, सो इसीलिए गए थे बेटा। अमीन के अब्बू कहीं बाहर गए खाला? हाँ बेटा, अपने एक दोस्त से मिलने गए। वो इधर हमारे कबीले में ही रहते थे, कई साल ही कबीला छोड़ के गए हैं और शहर में जाके बस गए, तो उन्हीं से मिलने के लिए गए। कब आएंगे खान साहब वापस? कल तक आएंगे बेटा। अमीन बहुत मोहब्बत करता है अपने अम्मी से, वो जब भी कुछ ज्यादा दिनों के लिए जाते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। हम भी अपने अब्बू से बहुत मोहब्बत करते हैं खाला, बस फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा खाला, सलाम। साहब जादे, अरे भाई घर कब तशरीफ ला रहे हैं आप? I'm missing you. कुछ पता नहीं अब्बू। वही, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? सब खैरियत से तो है ना? क्या बताऊं अब्बू, पीछे जाना चाहता हूं तो आगे खींचा चला जाता हूं, कुछ समझ में नहीं आता कहां जाना चाहता हूं। वल्ला, आप तो शायरी करने लगे भाई, वाह वाह। मुबारक हो मुबारक हो। एक अजब तरीके से बंधा चला जा रहा हूं अब्बू। ए हेलो, माजरा क्या है? हा? कोई जाने में तो नहीं है? बदले बदले से हालात नजर आ रहे हैं, खास बात तो है। बता ही दीजिए। अरे भाई हम आपके अपने ही अब्बू हैं। पता नहीं अब्बू, अभी तक ऐसा कुछ खास हुआ नहीं जो मैं आपको बता सकूं, पर हाँ आपको यहाँ होना चाहिए था मेरे साथ, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। ओहो साहबजादे, ये तो इश्क की हवा का अंदेशा लग रहा है। सच क्या है अब बता भी दीजिए। मालूम नहीं अब्बू, पर अच्छा 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 अब बताना नहीं चाहते? कोई बात नहीं। अरे भाई लगे रहिए लगे रहिए, एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। खुश रहिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अब्बू। हाँ, तुम नवाब साहब जवान हो गए। कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है तुमने अपने बेटे को रहमान। अम्मी ये कोई तरीका है? शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है कि किसी को भी उठा कर ले आएगा और हम कबूल कर लेंगे। हमारी इजाजत के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा, ये जान लो तुम। और जब तक हम जिंदा हैं, इस खानदान के जो रिवाज हैं, वही होगा। तुम बड़े हो गए हो तो क्या इस घर में हमारी कोई हैसियत ही नहीं रही? खुदा गवाह है, हमारा कहना टालने की कीमत बहुत महंगी पड़ेगी। अम्मी 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 अम्मी, देखिए आप तो खामखोई नाराज हो रही हैं। अरे भी अभी ना तो कोई लड़की है और ना शाहिद ने किसी से निकाह के लिए हाँ ही किया है, और जब ऐसा कुछ होगा तब देखेंगे। हाँ अभी तो कुछ नहीं हुआ ना, आप तो कुछ ज्यादा ही फिक्र करती हैं। लाइए आपके लिए तंबाकू बना दूं, इसमें शक्कर कितनी डाल दी। अम्मी पर आप तो किताबें सिर्फ आमीन के लिए लाएं, हमारे लिए थोड़ी ना लाएं। यही तो बात है कि आप हमेशा हमें गलत समझती हैं। हाँ, क्योंकि हम जाहिल हैं ना और बेवकूफ भी। आप जाहिल और बेवकूफ नहीं हैं। जाहिल और बेवकूफ नहीं है तो और क्या है? आप बेहद खूबसूरत हैं। है अल्लाह। हाय अल्लाह।
कैसे पढ़ूं? हाय ला अरे कहाँ है रे बछड़ा ओए अमी तुम्हारे अब्बू आ गए ओए अमीना ओ आ गए अरे अब्बू ओए अमीना कैसा रे बेटा मेरा अभी पहले से बेहतर है क्यों जिस दिन से आप गए हो उसी दिन से बिस्तर पकड़ के बैठा है आप भी तो इतने दिल लगा के आए इतने दूर तो नहीं था दिलेर खान का घर अरे वो आने नहीं दे रहे थे तो मैं क्या करता ओए बीमार हो गया वो शेर मेरा बीमार हो गया और चला है कुछ नहीं होता उधर सब खैरियत से है ना सब खैरियत आप थोड़ा थोड़ा पैसे की तंगी है मगर मगर बहुत खुश है सटा खुश अच्छा खुश रहे खैरियत से रहे ये भी बहुत बड़ी बात है, है? इंसान की नियत तो कभी बरती नहीं है ना सलमा बीबी भी खैरियत से है सब खैरियत से सलमा बीबी भी खैरियत से हाँ मकान मकान किराए का है वो दिलेर खान ने मेरे को बताया कि वो अभी किराए के मकान में ही रहता है अभी अपना मकान नहीं हो पाया थोड़ा थोड़ा पैसे की तंगी है उसकी उसकी सिर्फ एक ही खुशी है एक चीज पे पूरा खुश है उसने अपने बच्चों की तालीम का पूरा बंदोबस्त कर दिया है अच्छे स्कूल में दाखला दिला दिया वो पूरा तो खुद भी तो पढ़ने के लिए जाता है उर्दू सीख रहा है आजकल सच पूछो तो फातिमा मुझे तो रश्क आ रहा था उस पर रश्क तो होगा ही ना उम्र भर भेड़े पालने से क्या होगा है? उसके बच्चों की तकदीर बदल जाएगी बिल्कुल सच कह रही शाहिद भाई ओए ओए मीना ओए शाहिद भाई शाहिद भाई शाहिद भाई अच्छा हूँ अच्छे लग रहे हो कौन है ये लड़का आमिन बीमार पड़ गया था ना तो अस्पताल गई थी वहीं पे मुलाकात हुई शाहिद है बड़ा नेक इंसान उस दिन वो मदद को नहीं आता तो पता नहीं मैं क्या करती अमीन को पढ़ने के लिए किताबें लाके दिए और अमीन जी कैसे हो बस ठीक सब मजे में हाँ अस्सलाम वालेकुम खान साहब वालेकुम अस्सलाम सलाम खाला सलाम आओ बेटा आओ आओ बेटा आओ आओ
बैठो या बैठो। कहाँ से आए? जी दिल्ली से। मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आया हूँ। आमीन से मुलाकात हुई, इसने पढ़ने की इच्छा जाहिर की, तो सोचा जितने दिन यहाँ हूँ इसकी कुछ मदद कर सकूँ तो। अरे मैं तो भूल ही गई, वो मुश्ताक खान है ना, उनके उधर आपस में फिर कोई बखेड़ा खड़ा हो गया है, बात बहुत बढ़ गई है, तुमको जाके निपटारा कराना पड़ेगा। ये मुश्ताक खान दो दिन भी चैन से नहीं बैठने देता, अब क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया उसने, देखता हूँ मैं। मैं भी आती हूँ, उसको समझाना पड़ेगा। बेटा बैठू मैं आमीन को? आमीन बैठ के भाई के पास पढ़ो तुम, चलो। आमीन इधर आ। आप झगड़ा मत कीजिएगा उससे, ठीक से समझाइएगा। अरे मैं कोई झगड़ा करता हूँ क्या? मैं समझाऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा। ठीक है, मेरी बात नहीं टालेगा मुझे यकीन है। ठीक है ठीक। किताबें पढ़ना शुरू किया तुमने? ऐसी किताबें पढ़ना कैसे मुमकिन हो? क्यों मुमकिन नहीं? जब तक बताने के लिए कोई मौलवी जी ना हो तब तक कैसे समझ में आएगा? अगर हम आपके मौलवी बने तो पढ़ेंगे आप? हाँ पढ़ूंगा। अरे अरे आमीन किधर जाता है? आपको भी किसी मौलवी या टीचर की जरूरत है क्या? आप हमें क्या सिखाएंगे? हम आपको दिल की जुबान सिखाएंगे और आपको मोहब्बत के खत लिखने की तालीम देंगे। जी अम्मी, हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस ट्रैकिंग करके वापस लौटे हैं अम्मी, आराम फरमा रहे हैं। हाँ अम्मी खूब मजे में, तंबू लगा के रहते हैं जंगल में। अम्मी इसमें खौफ की क्या बात है, सब ठीक है अम्मी, आप चिंता ना कीजिएगा। वो अमित थोड़ा बीमार पड़ गया था पर मैं एकदम ठीक हूँ अम्मी, मैं बिल्कुल मजे में हूँ, मोटा ताजा हूँ जैसा आपने भेजा था। हाँ अम्मी बस अभी तय करके बताते हैं कब वापस आना है, मैं आपको फोन कर दूंगा। हाँ अच्छा अम्मी अब्बू कैसे हैं? हाँ अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़ अम्मी। हाँ भैया कितने पैसे हुए? मैं यार ये कह रहा था कि अब हमें शायद वापस चलना चाहिए, घर वाले परेशान होना शुरू हो गए और हमें यहाँ अभी भी काफी दिन हो गए। मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूँ यार, पहले अमित बीमार हुआ था, हम सबका नंबर, मच्छर तो इतना है यहाँ पर, पानी साफ मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यू शुड गो बैक यार, चलना चाहिए। सही कह रहे। हेलो शाहिद, दे आर टॉकिंग टू यू। फरमाइए, क्या फरमा रहे थे आप? फरमा रहे थे अब इस जगह पे हमने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, या तो किसी और मंजिल की तरफ रुक किया जाए या वी विल गो बैक टू आवर प्लेस। What do you say? No way. I'm not going anywhere. यार इतना बढ़िया मौसम है, खुली हवा, ताजगी, ये पंछियों की आवाजें, खूबसूरत वादियाँ, कहाँ मिलेगा ये सब? यार मेरे दिल से पूछ तो यही कहेगा कि इस जहाँ के आगे और कोई जहाँ नहीं, जो है बस यही है, बस यही। अरे मेरे शायर, तेरी शायरी हमें भी ले डूबेगी, समझा? ये मजनूगिरी बंद कर एंड डिसाइड whether to go back or stay here। बात करते हैं यार, फिर से बैठ। आती जैसी तुम, ओ सावन राजा, कहां से आए तुम?
राबिया पतीले में कड़छी घुमा दे। राबिया जीमी चूल्हे पे गोश्त पक रहा है, जरा ध्यान रखना, मैं लकड़ियां बीनने को जा रही हूँ। उर्दू तो तुम बहुत जल्दी सीख जाओगी। उर्दू में मैं तुम्हें जो जो लफ्ज़ सिखाऊंगा वही लफ्ज़ मैं हिंदी और अंग्रेजी में भी लिख दूंगा। इस तरह तुम्हें दो जबानें भी आ जाएंगी और तुम सारी किताबें फटाफट पढ़ने लगोगी। फिर किसी की मजाल नहीं होगी जो तुम्हारा मौजू बनाए। राबिया लकड़ियां जल के राख हो गई और तुमको इसकी खबर तक नहीं, कौन से ख्यालों में खोई है? देखो लड़की, मैं जानती हूं कि तुम मेरे को कुछ बताओगी नहीं, पर अपने हालात को मुझसे छुपा नहीं सकती। जो बेवकूफी तुम कर रही हो उसका अंजाम अच्छा नहीं है। अपने उम्र और अपने हालात के तकाजे को तुम खूब समझती हो। अपने आप पर काबू पाना इतना आसान नहीं है, मैं जानती हूँ, पर बेटी ये जान लो कि तुम्हारी तरफ से उठा हुआ एक भी गलत कदम अमीन के अब्बू और बिरादरी के बाकी लोगों के लिए बदनुमा दाग साबित हो सकता है। वो लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कच्ची, खुद पे काबू रखो, इससे पहले कि अमीन के अब्बू को इस बात की खबर हो। अपने आप को संभालो बेटी।